फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से देखें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि कुछ ना कुछ काम करने में बिजी थे और स्कूल के लिए लेट हो रहे थे, जिसमें से एक लड़के का नाम है यूनियन, जो कि हमारे इस स्टोरी का मेन लीड है एंड स्कूल का सबसे हैंडसम एंड पॉपुलर बॉय है, जिसको स्कूल जाने में देरी हो रही थी। तो इधर हमें हमारी स्टोरी की फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है मियाओ, जो बहुत ही साय एंड इनोसेंट है। वेल, मियाओ ने रिसेंटली अपने फैमिली के साथ रूम चेंज किया है और वो अपनी मॉम की हेल्प कर रही थी सारे सामान को रखने में एंड बोलती है कि मॉम, आपने ऐसा सुनसान जगह पे रूम क्यों लिया, ऊपर से शॉप भी यहीं ओपन कर ली। तो मॉम बोली वो इसीलिए क्योंकि मेरे लिए ये जगह बहुत ही खास है एंड ओल्ड मेमोरीज से भी जुड़ी हुई है, बिकॉज यहाँ से लाइट हाउस भी दिखता है। बाय द वे, मियाओ के फादर भी है पर जॉब के रिगार्डिंग वो बहुत कम ही घर आ पाते हैं। मियाओ सिर्फ अपनी मॉम और छोटी बहन याओ के साथ रहती है, जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट याओ मियाओ के किसी भी काम में हेल्प नहीं कर रही होती, इसीलिए मियाओ उसे डांटती है। बातों ही बातों में वो साथ में खेलना शुरू कर देती है और जैसे ही मियाओ एक फ्रूट को उठा के याओ के तरफ फेंकती है तो छत से नीचे गिर जाता है और किसी के सर पर जा गिरता है, तो मियाओ जल्दी से छुप जाती है। फिर मियाओ बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं इस लड़के ने अगर मेरी मॉम से कंप्लेन कर दी तो मॉम मुझे बहुत ज्यादा डांटेगी। कि तभी याओ कहती है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बस एक काम करो, ये सारी चीजों को मुझे हैंडल करने दो। उसके बाद वो जाके उस लड़के से बहुत ही प्यारे स्वर में कहती है सॉरी, बिग ब्रदर, हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, प्लीज हमें माफ कर दो। फिर हम सब देखते हैं कि अरे, ये तो कोई और नहीं हमारी स्टोरी का मेन लीड यूनियन होता है, जो कि अपने सर पे वो फ्रूट को रख लेता है ताकि उसके फेस पर स्माइल आ जाए और वो स्माइल करने लगता है। और यहाँ मियाओ उसे छुप छुप कर देख रही होती है और क्या था, पहली नजर में ही मियाओ अपना दिल हार बैठती है और उसके प्यार में गिर जाती है। वो कहती है कि वाओ यार, ये कितना क्यूट है, ऊपर से इतना ज्यादा काइंड हार्टेड भी है। उसके बाद यूनियन वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे उसके घर भी जाना था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियाओ अपने मॉम की शॉप के पोस्टर बांटते बांटते स्कूल में आकर पहुँचती है और ये स्कूल किसी और का नहीं बल्कि हमारे मेन लीड यूनियन का था। इधर हमें दिखाया जाता है कि एक बास्केटबॉल के कोच बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि वहाँ का एक प्लेयर आया नहीं था जिसका नाम कायतो था। फिर कोच को यूनियन दिख जाता है तो वो यूनियन से कहते हैं कि आज कायतो नहीं आया है तो प्लीज तुम कायतो के बदले इस मैच को खेल लो। एक्चुअली बात ये थी कि यूनियन पहले से इस टीम का कोच था पर उसने अपनी स्टडी की वजह से ये लीडरशिप छोड़ दी। यूनियन उनसे कहता है कि माफ करना कोच, मुझे देरी हो रही है और ऊपर से मैंने अपने बास्केटबॉल का यूनिफॉर्म भी नहीं लाया है। तो फिर कोच बोलते हैं कि तुम इस चीज की चिंता मत करो, यानी कि कायतो की जो यूनिफॉर्म है उसे ले लो और जल्दी से प्लेग्राउंड में आ जाओ। यूनियन का बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ आ गया था जो कि पहले से ये सब कुछ सुन चुका था, तो वो यूनियन से मैच खेलने के लिए कहने लगता है तो यूनियन मान जाता है। इधर हमारी मियाओ जो कि पोस्टर बांटने में बिजी थी पर लोगों का शोर सुनकर वो यहाँ मैच देखने आ जाती है और इधर वो जैसे ही यूनियन को देखती है तो वो पहचान जाती है, अरे ये तो वही लड़का है, हाय मेरा क्रश, कितना क्यूट लग रहा है। और वो अपनी नजरें जो है यूनियन से हटा ही नहीं पाती क्योंकि वो इतना क्यूट तो था ही, ऊपर से वो बहुत ही अच्छे तरीके से बास्केटबॉल भी खेल रहा था, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा गोल्स भी वही कर रहा था। लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि यूनियन ने कायतो नाम की टी शर्ट पहन रखी थी, इसलिए हमारी मेल लीड को लगता है कि इसका नाम भी शायद कायतो ही है, तो वो जोर जोर से चीयर करने लगती है और कायतो कायतो चिल्लाने लगती है और यूनियन को चीयर अप करने की ट्राई करने लगती है। इसी बीच एक लड़की कहती है कि क्या तुम भी कायतो की फैन हो, अगर तुम कायतो की फैन हो तो तुम्हें भी कायतो की फैन क्लब ज्वाइन करना चाहिए। तो मियाओ भी ये बात सुनकर जल्दी से हाँ कर देती है। बाय द वे, ये लड़की भी इस ड्रामा की एक मेन लीड है जिसका नाम है सिन। इधर मियाओ को याओ का कॉल आ जाता है क्योंकि याओ ने कुछ इम्पोर्टेंट सामान मियाओ से मंगवाया था और वो फोर्स करने लगती है कि मियाओ जल्दी से तुम वो सामान लेकर घर आ जाओ, इसीलिए मियाओ को वहाँ से जाना पड़ता है। और जैसे ही वहाँ से मियाओ चली जाती है तो पता नहीं कहीं से कायतो आ जाता है और वो डायरेक्ट उसको रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत ऐसे हुई मेरी यूनिफॉर्म पहनने की, और सभी लोग इस चीज को देख रहे थे। तो तभी यूनियन उसकी टी शर्ट उतार कर उसके मुंह पे मार देता है। एक्चुअली बात ये था कि इन दोनों के बीच कुछ बनती
शादी नहीं थी क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे से नफरत था। और अगर हम बात करें कायतो की तो ये भी हमारे इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर था और इसके रूड बिहेवियर और क्यूटनेस की वजह से ये पूरे स्कूल में फेमस था। साथ ही वो लास्ट स्कूल का टॉपर भी था, पर किसी इंसिडेंट के हो जाने की वजह से अब वो अपनी स्टडी पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। कि तभी कोच आकर कहने लगता है कि कायतो एक तो तुम इतना लेट हो, ऊपर से यूनियन से ही झगड़ा कर रहे हो, तो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कायतो की जो पोजीशन थी यानी कि कैप्टन की, वो उसे भी छोड़ देता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि मियाओ अपने बेस्ट फ्रेंड को बता रही होती है कि कैसे उसे कायतो नाम के लड़के से प्यार हो गया है और वो उससे बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई है। फिर जब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके फैन पेज को जाकर देखती है तो वो देखती है कि उसके कमेंट बॉक्स में काफी ज्यादा बुरा बुरा लिखा हुआ था। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि तुम्हें किसी और को अपना क्रश बना लेना चाहिए। तभी मियाओ कहती है कि वो दिखने में तो कितना ज्यादा काइंड लग रहा था, फिर उसे ये सारी लड़कियां गलत क्यों बोल रही है। इधर मियाओ की मॉम मियाओ को डिनर के लिए बुलाने लगती है तो मियाओ वीडियो कॉल को कट करके डिनर करने के लिए चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब मियाओ एक बुक स्टोर में जाती है तो कुछ देर बाद यूनियन भी उस बुक स्टोर में आ जाता है। लेकिन मियाओ को इस बारे में पता नहीं था कि यूनियन भी उसी बुक स्टोर में आया हुआ है। इधर एक बच्चा गिर जाता है तो यूनियन जाके उसको हंसाने की कोशिश करता है और उसको हंसाने की वजह से वो अपने माथे पे एक फनी सा स्टिकर लगा लेता है। तो मियाओ फिर यूनियन को नोटिस करती है और फिर वो सोचती है कि अरे ये हर टाइम बच्चों को कितने अच्छे से ट्रीट करता है। और जब बच्चा चुप हो जाता है तो यूनियन वहां से चला जाने लगता है, लेकिन वो भूल गया था कि उसके माथे पे उसने एक स्टिकर लगा के रखा था। फिर जब यूनियन वहां से जा रहा होता है तो पीछे से मियाओ उसे देख रही होती है। जब यूनियन टर्न होता है तो मियाओ उसे देखकर हंसने लगती है क्योंकि उसके माथे पे वो स्टिकर बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। तो यूनियन उससे पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो, तो मियाओ उसे माथे की ओर इशारा करते हुए बताती है कि ये देखो तुम्हारे स्टिकर की वजह से। तो यूनियन उसे थैंक यू कहता है। फिर वो आगे बढ़ जाता है और बुक स्टोर के मालिक के पास चला जाता है। तो बुक स्टोर का ओनर कहता है कि तुम इतना अच्छा पढ़ाई करते हो कि तुम हर साल टॉप करते हो, फिर तुम्हें हर दिन इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो यूनियन कहता है कि एक्चुअली मुझे पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, और ये कहकर वो चला जाता है। तो थोड़ी देर बाद मियाओ भी वहां से चली जाती है। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो दिखता है कि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था। फिर जब मियाओ यूनियन को देखती है तो वो सामने से और भी ज्यादा क्यूट, हैंडसम और अट्रैक्टिव दिख रहा था, तो मियाओ उसे देखती ही रह जाती है। बैकग्राउंड में एक लव सॉन्ग चलने लगा था, यानी कि जो कि सीन था वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो गया था। लेकिन इसी बीच यूनियन पूछता है कि तुम मुझे ऐसे आखिर घूर क्यों रही हो, क्या मेरे फेस पे अभी भी कुछ लगा है। तो मियाओ घबरा जाती है और फिर कुछ सोचती है, फिर कहती है कि अरे मेरे पास तो अम्ब्रेला नहीं है और तुम्हारे पास अम्ब्रेला है, पर मैं तुम्हें ये चीज मांग भी नहीं सकती क्योंकि तुम्हें भी तो घर जाना होगा। ये बात सुनकर यूनियन हंसने लगता है और कहता है अच्छा कोई बात नहीं, तुम मेरी अम्ब्रेला रख लो, वैसे भी मेरे पास रेनकोट है और ऐसे भी मैं तो साइकिल से जाऊंगा, तो मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर यूनियन वहाँ से चला जाता है और मियाओ उसे थैंक यू बोलने लगती है, पर वो जल्दी में रहता है इसीलिए सुन नहीं पाता। लेकिन मियाओ बहुत ज़्यादा खुश होती है पहली बार अपने क्रश से बात करके और उसका छाता लेके। वो उसके काइंड नेचर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर जब वो घर आती है तो उसके फैन पेज को खोल के देखने लगती है और फिर बहुत सारे कमेंट करती है कि तुम लोग क्यों कायतो को इतना रूड बोलते हो, जबकि कायतो तो कितना ज़्यादा स्वीट और काइंड हार्टेड पर्सन है। कुछ लोग मियाओ से कमेंट बॉक्स में लड़ाई करने लगते हैं, पर मियाओ सबसे कहती है कि कायतो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आज उसने मुझे अपनी अम्ब्रेला देख के मेरी मदद की, तो तुम सब प्लीज़ उसके बारे में बुरा बुरा कमेंट मत करो, वो बहुत ही दिल का साफ और अच्छा इंसान है। कि तभी कायतो के रियल आईडी से ग्रुप में मैसेज आ जाता है और इस मैसेज को देख के मियाओ इतना खुश होने लगती है कि पूरे बिस्तर पे उछल कूद करने लगती है। इतना शोर शराबा सुनकर याओ भी मियाओ के कमरे में आ जाती है और उसे इस तरीके का हरकत करते हुए देखती है और कहती है कि मॉम लगता है सिस्टर पागल हो चुकी है, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर जब मियाओ पूरे एक्साइटमेंट के साथ उसके मैसेज को रीड करती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि कायतो ने लिखा था कि तुम होती
ही कौन हो मेरी सपोर्ट करने वाली। मतलब अपने काम से मतलब रखो, समझी, और मुझसे जितना हो सके दूर रहो। ये सब पढ़कर तो मियाओं के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सोच रही होती है कि अरे मेरे क्रश ने मुझे ऐसा कह दिया, वो भी ये जानते हुए कि मैं वो अम्ब्रेला वाली गर्ल हूँ। उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम डिनर का सीन देखते हैं जहाँ पे मियाओ बहुत ज़्यादा उदास होती है। फिर उसकी मॉम उसके लिए बैग लेके आई थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मियाओ की मॉम ने मियाओ और याओ दोनों को सेम बैग ला के दी थी। तो लेकिन याओ कहती है कि मेरी बैग तुमसे बहुत अच्छी है, पर ये तो बिल्कुल सेम थी। फिर भी वो इस तरीके से कह रही थी और मियाओ के बैग को बुरा बता रही थी। फिर वो दोनों बातें करने लगती है और फिर याओ अपनी डॉल को बैग में डाल लेती है। एक्चुअली बात ये थी कि वो दोनों बहनें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि कल वो न्यू स्कूल जाने वाली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ मियाओ की मॉम मियाओ को उठा रही थी क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो गई थी, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी से उठती है और फटाफट से रेडी होने चली जाती है। लेकिन वो अपना अम्ब्रेला को भी साथ में उठा लेती है ताकि वो यूनियन को वो अम्ब्रेला वापस कर सके। फिर मियाओ स्कूल पहुंच जाती है और टीचर जो है मियाओ को पूरे क्लास के साथ इंट्रोड्यूस करती है। उसके बाद हमें वो लड़की भी दिखती है जो बास्केटबॉल के वक्त मियाओ को मिली थी, यानी कि सीन। मियाओ ने सबको हेलो बोला लेकिन वो इसके साथ नर्वस भी थी। उसके बाद टीचर बोलती है कि जाओ तुम कोई भी खाली सीट पर जाकर बैठ जाओ। फिर जब मियाओ जाके एक खाली सीट पर बैठ जाती है तो सारे बच्चे उसे घूरने लगते हैं। तो मियाओ को कुछ समझ नहीं आता तो वो सीन से पूछती है कि क्या हुआ, क्या मैंने कोई गलती कर दी। तो सीन कहती है कि तुमने डेंजरस सीट चूज किया है बैठने के लिए, तुम थोड़ी देर में ये बात समझ जाओगी। फिर जब कायतो क्लास में आता है तो हम सबको पता चलता है कि मियाओ ने कायतो के बगल वाली सीट को चुना है। मियाओ कायतो को हेलो बोलती है और फिर अपना नाम बताती है। उसके बाद वो कायतो से उसका नाम पूछती है पर कायतो उसे इग्नोर करके हेड डाउन करके सो जाता है। फिर टीचर सबको बुक ओपन करने के लिए बोलती है। जब मियाओ अपना बैग देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो गलती से अपनी बहन याओ का बैग लेके आ गई थी, तो वो डर जाती है। उसके बाद वो कायतो से पूछने लगती है कि क्या तुम अपनी बुक मुझे रीड करने के लिए दोगे। तो कायतो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, उल्टा दूसरी साइड मुंह करके सो जाता है। इधर मियाओ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद जब क्लास ओवर हो जाती है तो मियाओ दो लड़की से वॉशरूम के बारे में पूछ रही होती है। फिर जब वो वॉशरूम की तरफ जा रही होती है तो उसे यूनियन अपने फ्रेंड के साथ दिखता है, तो वो सोचती है कि कैसे इसने कल मुझे अपने से दूर रहने के लिए कहा था। तो वो वॉशरूम न जाके पीछे वापस आने लग गई तो रास्ते में टीचर मिल गई और टीचर उसे रजिस्ट्रेशन के बारे में बोलने लगी और अपने साथ लेके चली गई। फिर हम यहाँ देखते हैं कि रिसेस ओवर हो गई थी और यूनियन अपने क्लास में बैठा था जहाँ पे टीचर उन लोगों को पढ़ा रही थी, पर यूनियन और उसका फ्रेंड छुपकर गेम खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही यूनियन निंग को हरा देता है तो निंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो उठकर कहने लगता है टीचर से कि देखो टीचर, यूनियन आपसे छुपकर कैसे गेम खेल रहा है, मतलब इसको आपके लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए छुप छुप के गेम खेल रहा है। फिर पूरी क्लास इन दोनों पे हंसने लगती है। फिर यूनियन कहता है कि मैम मैं अकेले गेम नहीं खेल रहा था, यानी कि निंग भी मेरे साथ गेम खेल रहा था। मैम आप मेरी बातों पे विश्वास करती हो ना। इसी के साथ हमारी ड्रामा का पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब करके कॉमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।